गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम नवीन कुमार, आई एम ऑफ द फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में यूनिट नंबर 4 में अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थ प्रेशर के कुछ टॉपिक्स थे जो अपने क्लियर हो गए थे। अब अर्थ प्रेशर में ही कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि अर्थ प्रेशर मेनली जो अपने कोई भी सॉइल है या बैकफिल है उसके ऊपर कौन कौन से प्रेशर लगते हैं। तो वो दो प्रेशर हैं अपने, एक्टिव और पैसिव। आज उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, एक्टिव प्रेशर क्या होता है एंड पैसिव प्रेशर क्या होता है। तो मेन जो आज अपना टॉपिक है वो है एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर, ठीक है। ये अपना लेक्चर नंबर 30 है, 29 लेक्चर अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्टिव अर्थ प्रेशर। व्हाट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर? एक्टिव अर्थ प्रेशर मेनली होता क्या है कि मान लीजिए कोई बैक फील है, वो फील है अपनी, ठीक है। एक बार अपन देखते हैं यहाँ कुछ रफली डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको, फिर इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर ये अपना कोई भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, वाल मान लीजिए, कोई भी वाल है, इस वाल के इधर की साइड ये कोई बैकफिल फिलअप है अपनी, ठीक है। ये बैकफिल मतलब सोइल यहाँ फिल है। अब जो ये वाल है, इस वाल पर एक प्रेशर लगेगा किसका? इस बैकफिल का, जो इस बैकफिल में सोइल अपनी फिल है उसका। तो मान लीजिए ये कोई अपना एक स्पेसिमन ले लिया अपन ने। अब इस सोइल्स के प्रेशर से ये हॉरिजेंटल जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लैटेरल अर्थ जो प्रेशर है वो इधर की साइड लगेगा, हॉरिजॉन्टल साइड। तो ये इस वाल को किधर की साइड मूव करेगा? अगर ये इधर लग रहा है तो ये इस वाल को कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ऐसे, मतलब ये डिस्टेंस पे इसको मूव करेगा। तो ये जो प्रेशर होगा वही अपना एक्टिव प्रेशर होगा। मेन अपन कह सकते हैं कि वाल मूव अवे फ्रॉम द बैक फेल, द पोर्शन ऑफ द बैक फेल दैट इज जस्ट बिहाइंड द वाल आल्सो मूव अलोंग विद इट, लीविंग द रेस्ट ऑफ सोइल मास। मीन्स जो सोइल है ये वाल को बाहर की ओर अवे कर रही है, मूव करवा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स से। तो वो जो प्रेशर लगेगा वो ही अपना क्या होगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो ये था अपना क्या? एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब देखते हैं इसको रफली अपन ने देख लिया है। अब देखिए, इन एक्टिव स्टेट वेयर वाल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, द पोर्शन ऑफ द बैकफिल दैट इज जस्ट बिहाइंड द वाल आल्सो मूव अलोंग विद इट, लीविंग द रेस्ट ऑफ सॉइल मास। This portion of the backfill which moves along with the wall is termed as failure wedge. The movement of the wedge is being resisted by the shear strength of the soil which develops over the rupture surface upward direction that causes the decrease of pressure acting on the wall. ठीक है, देखिए जो पूरा अपन को एक तरह से इसका थोड़ा प्रोसेस बताया है कि कैसे मूवमेंट होता है, तो इसको अपन पूरा समझने के लिए देखिए इसका जो डायग्राम है उससे देखते हैं। ये कुछ इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में फोर्स कैसे लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, वो सब अपने को यहाँ पता चलेगा। देखिए, ये कोई अपना रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है यहाँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए वाल है कोई भी, और ये अपन ने कोई पी पार्टिकल लिया है, ठीक है, सोइल्स का, यहाँ तक अपने को इसके ऊपर फोर्स लगा के मॉडल के रूप में अज्यूम कर रहे हैं इसको।
तो ये फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल, ये बैकफिल है पूरा, अपना बैकफिल फील है यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा और ये इसका सेल्फ वेट की वजह से भी डाउनवर्ड पोजीशन में एक फोर्स या स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इन दोनों स्ट्रेस से इस वाल को जो ये आगे की ओर मूव करवा रही है, देखिए कुछ ये इतनी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये मूव करवा रहा है यही अपना क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब इस मूव की वजह से एक शियरिंग रेजिस्टेंस भी इसमें डेवलप होता है। अब देखिए अगर ये इसको इधर मूव करवाएगा, ये प्रेशर लगेगा, ये वाल थोड़ा बहुत आगे जाएगा तो क्या होगा, ये जो बैकफिल है इसमें रप्चर की कंडीशन आएगी। अब वो रप्चर की कंडीशन आई तो इसमें शियरिंग स्ट्रेंथ डेवलप होगी, मतलब शियरिंग रेजिस्टेंस आएगा। तो वो शियरिंग रेजिस्टेंस कैसे आएगा, वो शियरिंग रेजिस्टेंस अलोंग दी रप्चर प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, ठीक। फिर वही ये इसके अपोजिट पोजीशन में डाउनवर्ड भी आएगा, ठीक है। देखिए ये अपन ने जो नीचे लाइन लिखी है, द मूवमेंट ऑफ द वेज इज बीइंग रजिस्टर्ड बाय द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विच डेवलप्स, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विच डेवलप्स ओवर द रप्चर सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन दैट कॉजेज द डिक्रीज ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द वाल। जो शियरिंग स्ट्रेंथ इसमें डेवलप होगी ये किसके अलोंग होगी, जहाँ ये अपना रप्चर प्लेन रहेगा, ये कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे या फाई एंगल पे रहेगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, डेल एच माना है अपन ने, ये डेल एच हुआ है डिस्प्लेसमेंट इसके मूव होने से एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब इस ओवरऑल ये जो रप्चर प्लेन है इसकी अगर विड्थ देखते हैं तो वो अपने कैलकुलेट करने से, देखिए एक ट्राइंगल बन जाता है यहाँ, पूरा ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, जिसका एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है, सॉरी फाई एंगल है, हाइट इसकी एच है, ठीक है। अब इसको अगर अपन पूरे के इसकी ये निकालते हैं तो ये फाइनल अपना निकल के आता है एच कोट 45 प्लस 5 बाई टू, इसको अपन एच बाई टू के केस में भी लिख सकते हैं। ये अपना क्या, किसकी वजह से ये निकल के आया है, ये शियरिंग रेजिस्टेंस की वजह से ये पोर्शन इसका निकल के आया है, जो शियरिंग रेजिस्टेंस ये लगेगा रप्चर प्लेन के अलोंग, यही अपना ये होगा एच कोट 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर अगर डेफिनेशन के रूप में अपन से कोई पूछता है तो अपने को क्या कहना है कि कोई भी वाल है, वाल टू मूव अवे बैकफिल इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर, दिस पोर्शन विल बी इंक्लूडेड, शेयरिंग रेजिस्टेंस विल बी इंक्लूडेड ऑल्सो शेयरिंग रेजिस्टेंस अलोंग द रप्चर प्लेन, ठीक है। तो ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है इसमें जो शेयरिंग रेजिस्टेंस की कंडीशन भी डेवलप होगी वो अलोंग द रप्चर प्लेन के डेवलप होगी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल एच, ठीक है। तो ये था अपना एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब देखते हैं नेक्स्ट पैसिव अर्थ प्रेशर, एक मिनट सॉरी। देखिए इसमें अपना एक पोर्शन रह गया है, वो क्या है, अपन जानते हैं कि भाई पैसिव ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो इसको डिनोट अपन पी ए से करते हैं, ठीक, पहले पढ़ चुके हैं अपन, पी ए से डिनोट करते हैं। और जब इसका फाइनल जो फॉर्मूला अपन पूरा निकालते हैं तो होता है के ए इंटू सिग्मा वी, ठीक, ये होता है इसका सिग्मा वी, अपन वो निकाल लेते हैं जो अपने को जिस सॉइल्स के स्पेसिमेन पे निकालना है। अब यहाँ जो के ए है वो क्या है, वो है अपना 1 - sin φ / 1 + sin φ, ठीक है। जो के है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर वो क्या होगा, 1 - sin φ / 1 + sin φ, ठीक। ये मेनली जो अपना एंगल जो इसमें लिया जाता है फाई का वो 30 डिग्री कंसीडर किया जाता है, लगभग एक्चुअल नहीं है कि 30 डिग्री हो, लेकिन अपन लमसम में देख सकते हैं कि कितना लिया जाता है, 30 डिग्री लिया जाता है, ठीक। अब अगर ये 30 डिग्री लेने से
अब इस के ए का मान अगर अपन देखते हैं तो वो जनरली अपना लिया जाता है के ए इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये था अपना पूरा एक्टिव अर्थ प्रेशर का कॉन्सेप्ट था डेफिनेशन के रूप में, ठीक। अब आगे देखते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है? पैसिव अर्थ प्रेशर को भी अपन समझ सकते हैं कि ये जस्ट इसका उल्टा है। भाई देखिए, जब पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात हो रही थी तो जो वाल थी वो अपनी मूव किधर कर रही थी? अवे टू बैकफिल, ठीक है, बैकफिल के फोर्स दूसरी साइड में, ठीक है, ऐसे था वो पोर्शन अपना। ये वाल मूव इधर कर रही थी इन एक्टिव प्रेशर में, ठीक। बट यहाँ जो पैसिव अर्थ प्रेशर की बात आती है तो ये जो वाल मूव करती है ये टुवर्ड्स द सोइल, मतलब टुवर्ड्स द बैकफिल के टुवर्ड्स मूव करती है। मतलब मान लीजिए ये अपनी एक वाल है, इस वाल के ये बैकफिल फिलअप है इधर, ठीक। इस बैकफिल की वजह से जो फोर्स लगता है, मान लीजिए ये है अपना, इसके ऊपर ये लगा ये लगा, इस वजह से मेन जो यहाँ इस पार्टिकल्स को लिया है तो इसमें जो फोर्स रिएक्ट करेगा पैसिव अर्थ प्रेशर में वो ज़्यादा अपना इस डाउनवर्ड प्रेशर का होगा, जिसको अपन ने सिग्मा वी बोला है, ना कि सिग्मा एच का। और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर में था उसमें ज़्यादा सिग्मा एच ओरिजेंटल फोर्स का रोल था। यहाँ जब इसका रोल ज़्यादा है तो देखिए ये यहाँ बैकफिल अपनी फिलअप है, ठीक। अब अगर ये मान लीजिए ये कोई अपन ने पार्टिकल्स लिया है, अब इस पार्टिकल्स को आप अगर ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो, इस पार्टिकल को जस्ट आप ये मान लीजिए ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो फोर्स लग रहा है ये खुद के सेल्फ वेट से लग रहा है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो इसको कंप्रेस करेगा, तो वो अगर इस डिस्टेंस पे लगा रहे हो, उसकी हाफ डिस्टेंस इधर लगा रहे हो, तो वो कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। मेन जो एक रीजन तो है उसका ये है। दूसरा रीजन क्या है कि जो ये पोर्शन है अपना पूरा, देखिए एक मिनट, ये पैसिव अर्थ प्रेशर की बात आती है तो पैसिव अर्थ प्रेशर में जस्ट इसके जो टॉय पोर्शन होता है, ठीक है, वहाँ ग्राउंड लेवल पे ये कुछ नीचे ढका हुआ रहता है, ठीक। तो इस जो ग्राउंड लेवल ढका हुआ है तो यहाँ जो सॉइल होगी उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसका तो लग ही रहा है और इसका जो और लग रहा है ना, उसकी वजह से ये मूव अपना किसकी ओर करती है? टुवर्ड्स द सोइल, ये सोइल की तरफ ही मूव करेगी, इधर की साइड ही मूव करेगी अपनी कोई भी वाल है वो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि द वाल मूव्स, वाल मूव टुवर्ड द सोइल, देन इट इज़ नोन एज पैसिव अर्थ प्रेशर, देन इट्स रिएक्ट ए प्रेशर, दिस प्रेशर इज़ नोन एज एक्ट पैसिव प्रेशर, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है पैसिव प्रेशर, वेन द मूव टूवर्ड्स द सॉइल ए ब्लॉक ऑफ सॉइल द टेंडेंसी टू मूव अप एंड साइड इन साइड टूवर्ड्स द फिल, फिल की तरफ टूवर्ड्स होती है, टूवर्ड्स द फिल होती है, हेंस शियर रेजिस्टेंस सेट अप अगेंस्ट द वॉल एंड रिजल्टिंग इन टू इंक्रीज इन प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है। दिस इंक्रीज इन प्रेशर टेक्स प्लेस अप टू एन एक्सटेंट वेन द एंटायर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज बीइंग मोबिलाइज्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम प्रेशर ओवर द वेल रेफर्ड टू पैसिव प्रेशर, ठीक है, पैसिव प्रेशर। अब देखिए इसका अगर अपने जो डायग्राम है वो देखते हैं तो ये कुछ इस रूप में है। कंपेरिजिंग करके अगर अपन पढ़ेंगे तो ये अपने को अच्छे से समझ में आएगा, एक्टिव और पैसिव दोनों। एक्टिव के केस में अपना क्या था, देखिए अपन कंपेरिजन से ही देखते हैं। एक्टिव के केस में क्या था कि जो अपनी वाल है ये मूव कर रही थी, ये किधर कर रही थी? अलोंग दी बैकफिल, ठीक है। और अब जो ये मूव कर रही है पैसिव इन पैसिव प्रेशर, इट्स मूव टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है, टुवर्ड्स द सॉइल, देन इट इज़ नोन एज पैसिव प्रेशर, ठीक। देखिए ये कोई पार्टिकल्स लिया, यहाँ ज़्यादा जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस वर्टिकल डाउनवर्ड की वजह से जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो अपना डाउनवर्ड पोजिशन में ही लगेगा अलोंग द रप्चर प्लेन के,
ठीक है, पहले जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो शेयरिंग रेजिस्टेंस का केस अपना ये निकल के आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड पोजीशन में होगा। अब अगर इसका फेलियर वेज देखते हैं तो वो अपवर्ड पोजीशन में होता है। ठीक, जो इसका एंगल मेनली जो कैलकुलेट हुआ है वो अपना 45 प्लस 5/2 होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल एच हुआ है, एंड जो इसकी विड्थ निकल के आती है वो एच कॉट 45 प्लस 5/2 निकल के आता है। ठीक है, तो अगर एक्टिव और पैसिव को कंपैरिजन करके देखते हैं तो एक डेफिनेशन के रूप में अपन देख सकते हैं कि क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू, तो सॉरी, जो वाल है वो मूव अलोंग दी बैकफेल, तब तो क्या होता है एक्टिव प्रेशर, एंड वाल मूव टूवर्ड्स द बैकफेल या सॉइल देन इट इज़ नॉन एज पैसिव प्रेशर, एंड रप्चर एंड शेयरिंग रेजिस्टेंस इन एक्टिव प्रेशर अपवर्ड पोजिशन एंड पैसिव प्रेशर शेयरिंग रेजिस्टेंस इन डाउनवर्ड पोजिशन एंड फेलियर वेज विल बी अपवर्ड पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना पैसिव प्रेशर। नाउ वी विल बी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन एक्टिव स्टेट एंड पैसिव स्टेट। एक्टिव स्टेट, व्हाट इज एक्टिव स्टेट? एक्टिव स्टेट मेनली इंक्लूडेड फोर नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। इन एक्टिव स्टेट वेरी लिटिल मोमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर अबाउट 0.5% हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ। ठीक, इन पैसिव स्टेट मच हायर मोमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द प्रेशर। जो मोमेंट है, हायर मोमेंट किस में होता है? पैसिव स्टेट में। ठीक, अबाउट 2% ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ, और यहाँ एक्टिव में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ की कंडीशन 0.5% होती है। इन सेकंड पॉइंट, फेलियर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री प्लस 5/2। इन इंक्लाइंड फेलियर 45 डिग्री प्लस 5/2। इन पैसिव स्टेट, फेलियर प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 माइनस 5/2। बोथ आर डिफरेंस बिटवीन ओनली फॉर साइन प्लस एंड नेगेटिव, ऑल ऑफ आर सेम। थर्ड पॉइंट, विड्थ ऑफ स्लाइडिंग वेज एट द टॉप ऑफ वॉल इज एज कोट 45 डिग्री प्लस 5/2। वी विल बी श्योर दैट इन एक्टिव प्रेशर डायग्राम विड्थ इज टेकन एच कोट 45 प्लस 5/2। ठीक है, देखिए ये इन पैसिव प्रेशर विड्थ विल बी टेकन एच कोट 45 प्लस 5/2। ठीक है, एक्टिव प्रेशर इज लेस देन प्रेशर एट रेस्ट एंड पैसिव प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर एट रेस्ट। इन एक्टिव प्रेशर रेस्ट पोजिशन इज लेस एंड पैसिव ग्रेटर दैट रेस्ट पोजिशन। नाउ हियर शो द ग्राफ बिटवीन लैटरल अर्थ प्रेशर एंड बैकफिल। Show that passive pressure PA, here passive pressure PA, that line small position passive pressure। Passive pressure अपना small position में है यहाँ, और जो relatively large position में है वो towards backfill में जाता है। ज़्यादा large position जो होती है वो towards backfill में passive pressure में होती है। ठीक है, ये अपने को पूरा यहाँ ये बताया है इस diagram के basis पर। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, ये कुछ इसके जो कोहेजन लेस सॉइल्स और इसके कोहेजिव सॉइल्स के लिए अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट अप की है 3 to 14 एंड 1 to 2।
और इस पोजीशन तक 0.4 टू 0.6 और कोएसिव के लिए भी इतना ही और इस पोजीशन के लिए इतना होता है, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट अर्थ प्रेशर थ्योरीज, मेनली टू क्लासिकली थ्योरीज ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंकाइन थ्योरीज एंड सेकेंड कॉलम्स थ्योरीज। रैंकाइन थ्योरी कम लेटर बट सिमिलर देन कूलम्ब थ्योरी, ठीक है। मेनली जो अर्थ प्रेशर थ्योरीज को डिफाइन करने के लिए टू थ्योरीज दी है, एक तो है अपनी रैंकाइन थ्योरी, दूसरी है कॉलम्ब थ्योरी, ठीक है। तो देखिए रैंकाइन थ्योरी क्या है, सॉरी, इन रैंकाइन थ्योरी अजप्शन वी विल बी टेकन, सॉरी अजप्शन, इन रैंकाइन थ्योरी अजप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड इज कोहेजियन लेस। जो सॉइल है वो अपनी होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड कोहेजियन लेस होनी चाहिए। द फेस ऑफ द वॉल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बैकफिल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। जो वॉल का फेस है, जो वॉल होगी अपनी, उसका जो अबाव का फेस होगा वो बैकफिल के कॉन्टैक्ट में वर्टिकल पोजिशन में एंड स्मूथ होना चाहिए। द बैकफिल सरफेस एट टॉप इज हॉरिजेंटल, बैकफिल सरफेस है वो हॉरिजेंटल होनी चाहिए। कौन सी इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए अपनी वॉल है, इस वॉल पे इधर की साइड बैकफिल है, तो ये जो बैकफिल की पोजीशन है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में होनी चाहिए और जो वॉल की सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सॉइल इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। द रप्चर सरफेस इज प्लेन एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडीशन इज इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। ये थी अपनी रैंकाइन थ्योरी के अजप्शन। इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रैंकाइन थ्योरीज को देखते हैं तो उसका क्या है, व्हेन ए सॉइल मास इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज शियर स्ट्रेस इट स्लोली अंडरगोज शियर डिफॉर्मेशन। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल द सॉइल रीचेज ए पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट द सॉइल स्टार्ट बिहेविंग एज ए परफेक्टली प्लास्टिक मटीरियल्स। द लिमिटिंग पॉइंट पी वेन द प्लास्टिक फ्लो इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इज नोन एज प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। दिस स्टेट वॉज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाई रैंकाइन एंड इज ऑल्सो नोन एज रैंकाइन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। एट प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेज शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट विद इन द सॉइल मास रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल ऑफ फेलियर स्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, रैंकाइन थ्योरी ने कहा है कि वो प्लास्टिक पोजिशन में जाके जो उसमें कंडीशन चेंजेज होती है वही अपना प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन है उसके बीच ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए यहाँ जो अपन ने पॉइंट की बात की थी पी, वेन द प्लास्टिक फ्लो इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट नोन एज प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। पी पॉइंट से जो अपना फ्लो स्टार्ट होता है वही अपना क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ये अपना पी पॉइंट है, यहाँ इस पी पॉइंट से जो इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो रहा है वही अपना क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये किसके बीच प्लॉट किया है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के। तो आज के लिए अपना इन अर्थ प्रेशर में इतना ही था। देखिए अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था वापस से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर मेनली वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। हियर शो दैट एक्टिव अर्थ प्रेशर प्रोसेस डायग्राम। देन पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर वॉल मूव्स टूवर्ड द सॉइल देन इट इज कॉल्ड एज पैसिव अर्थ प्रेशर। हेयर शो दैट पैसिव अर्थ प्रेशर वी विल पैसिव अर्थ प्रेशर शो दैट टूवर्ड्स द सॉइल बैकफिल। डिफरेंस थे कुछ एक्टिव स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच ये। फिर तो ये ग्राफ प्लॉट किया था पूरा,
आठ प्रेशर थ्योरीज हैं, जो रैंकाइन थ्योरी है और कॉलम थ्योरी है। अपन ने डिस्कस किया आज ओनली रैंकाइन थ्योरी, उसके एजप्शन थे कुछ ये पांच, और फिर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।